कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णतः कभी नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है। चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए वो रायबरेली के पूर्णतः कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो वायनाड राहुल गांधी हार रहे इसलिए सुरक्षित सीट तलाश रहे, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टता का परिणाम है कि आज अमेठी लोकसभा क्षेत्र में आप कमल का फूल खिलते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही जनता को आगाह कर दिया था कि जैसे ही वायनाड में वोट पड़ जाएगा उसके बाद राहुल जी रुख करेंगे एक नई सीट का। प्रधानमंत्री के शब्द साक्षात आपके सामने धरा पर इम्प्लीमेंट होते आप देख पा रहे हैं, इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री जी के उस स्वर को पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आज चुनावी रणभूमि से मुंह फेर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अब राष्ट्र भर में एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार केंद्र में मोदी की सरकार। स्मृति जी, क्योंकि अब प्रियंका गांधी ने कहा कि मेहमानों का स्वागत है, हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते।